अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्फ्लोरिसेंस यानी फूल का गुच्छा कौन सा है? जी हाँ, टाइटनारम नामी इन्फ्लोरिसेंस इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम पौधों के इन्फ्लोरिसेंस से बड़ा माना जाता है। 1878 में एक इटालियन बॉटनिस्ट ओडो बैकरी ने इसको पहली मरतबा बयान किया था। अमूमी तौर पर जब हम फूल का नाम लेते हैं तो हमारा जहन खुशबू की तरफ मतवजा होता है, लेकिन इस फूल से खुशबू की बजाय सड़े हुए मांस की बदबू आती है। इस फूल पर वैसी ही मक्खियां फीड करती हैं जैसा कि एक मुर्दा जानवर पर। टाइटनारम तकरीबन 10 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा होता है, यानी एक हाथी के जिस्म से भी बड़ा। ये फूल 7 से 10 साल में सिर्फ एक बार रात में खिलता है और इसका ब्लूमिंग टाइम तकरीबन 48 घंटे तक होता है। टाइटनारम का लाइफ स्पैन तकरीबन 30 से 40 साल तक होता है। इस पौधे का मुनफरिद कंपोनेंट कॉम होता है, जो कि स्टोरेज आयरन का काम करता है। टाइटनारम दुनिया का वो वाहिद पौधा है जिसमें इतना बड़ा कॉम पाया जाता है, जिसका वजन तकरीबन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम अमोर्फोफैलस टाइटेनम, जबकि कॉमन नेम कॉर्प फ्लावर होता है। ये पौधे मुकामी तौर पर इंडोनेशिया यानी सुमेट्रा के रेन फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं।